आज जो कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का पूछताछ हो रहा था ईडी में, वो करीब 2:30 बजे ख़त्म हुआ और इस खबर के अनुसार कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने ईडी से मांग की थी कि आज के लिए पूछताछ ख़त्म हो। जो खबर चली थी कि ईडी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं कोविड मरीज हूं, इसी के लिए आज के लिए क्वेश्चनिंग समाप्त कीजिए, बेबुनियाद, बिल्कुल गलत और झूठ। सुबह डॉक्टर मौजूद थे, दोपहर को ईडी ने कहा डॉक्टर मौजूद नहीं होंगे, सोनिया जी दवाई ले रही हैं और कोविड रिकवरिंग मरीज हैं, तो हाँ, पर उन्होंने कहा कि मैं आज वापस लौटने के लिए तैयार हूँ, मैं 7 बजे 8 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं कल आने के लिए तैयार हूँ, पर कल ईडी और कहीं व्यस्त, ईडी के अफसर और कहीं व्यस्त थे, तो इसीलिए अभी बात चल रही है सोमवार या मंगलवार, अभी तक कोई उसमें अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पर जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस अध्यक्ष के ओर से कोई ऐसी गुजारिश नहीं की गई आज दोपहर को कि आज का क्वेश्चनिंग 2 या 2:30 बजे समाप्त हो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ पार्लियामेंट सेशन के बारे में। 18 तारीख से राज्यसभा और राज्यसभा नहीं चल पाया है और एक ही कारण है, मैंने पहले भी कहा है, मैं दोहराना चाहता हूँ कि विपक्ष की पार्टियों की ओर से एक ही मांग है कि तुरंत महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जो GST रेट बढ़ाए गए हैं उस पर बहस हो। राज्यसभा में रूल 267 के तहत ये बहस हो, ये प्रावधान है नियमावली में कि अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं जो अर्जेंट माने जाते हैं पार्टियों से, तो वो मांग कर सकते हैं कि सभी बिजनेस को रोका जाए और उस विषय पर बहस हो। हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, पर हमारी एक ही मांग है, पहला बहस पार्लियामेंट में महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जो बढ़ाए GST रेट बढ़ाए गए हैं उस पर चर्चा हो। सरकार की ओर से ये कहा जाता है हम तो चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर कल 11 या 11:15 को सरकार लोकसभा में और राज्यसभा में महंगाई और GST पर बहस के लिए तैयार है तो विपक्ष तैयार है, इस पर कोई शक नहीं होनी चाहिए। हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, हम बहस चाहते हैं, पहला विषय, बाद में और विषय भी उठाए जाएंगे, सरकार की ओर से भी आएगा, विपक्ष की ओर से भी आएगा, पर महंगाई हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या, करोड़ों परिवारों के लिए महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जो GST के रेट बढ़ाए गए हैं उस पर हम बहस चाहते हैं।